हाय, आई एम अभिषेक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरी एजुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। दिया हुआ फिगर में ए बी पैरेलल किसका? सी डी का। एंड कह सकते हैं बी सी, आपको बी सी पैरेलल किसका? ई डी का। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकालना होगा। देखिए कैसे, मैं देखता हूं कि कैसे पैरेलल है। ए बी पैरेलल, ए बी जो है पैरेलल किसका? सी और डी का, राइट फ्रेंड। उसके बाद बी सी, जो बी और सी है किसका पैरेलल है? ई और डी का, ई और डी का पैरेलल है। ये लाइन क्या शो कर रहा है? देखिए आपस में ये दोनों पैरेलल है। ये लाइन क्या शो कर रहा है? ये आपस में पैरेलल है। मिस ई एरो शो कर रहा है आपस में, मिस ई एरो और ई एरो शो कर रहा है आपस में दोनों पैरेलल है। ई एरो आपस में शो कर रहा है कि दोनों पैरेलल में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन की ओर देखते हैं, सोल्यूशन कैसे होगा इस क्वेश्चन को। तो सोल्यूशन की ओर चलेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। आप देखिए सबसे पहले ये एंगल आपको एक्स दिया हुआ, एंगल बी एक्स, और एंगल डी 75 डिग्री दिया हुआ। बहुत ही आसान है। अगर हम इस एंगल को गेन कर लेंगे तो इसको आराम से गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस एंगल को गेन करेंगे, तो लिखेंगे जो आपको कि लिखेंगे बी सी पैरेलल ई डी है। तो यहां पर लिखेंगे बी सी, यहां पर लिखेंगे हम कि जो बी सी है, बी और सी, बी सी, बी सी पैरेलल आपको कह सकते हो ईडी है। इन विच कह सकते हो, इन विच, इन विच क्या कह सकते हो? सी और डी, सी डी इज आ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। सी डी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। जब देख सकते हो बी सी पैरेलल ईडी है, बी सी पैरेलल ईडी है, तो सी डी क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो ये एंगल हो जाएगा, मीन्स कह सकते हो जो ये एंगल और ये एंगल को सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। कैसे? द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल, ऐसे लिख सकते हो एंगल, लिखेंगे ई, यहां पर लिखेंगे बी सी डी, एंगल लिखेंगे बी सी डी प्लस एंगल ई डी सी, ई डी सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कैसे? तो लिखेंगे सम, सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर, इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री का, राइट फ्रेंड। ये 180 डिग्री, तो आपस में मिस ये सम करेंगे, दो एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। कैसे? द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो लिखेंगे ये कितना दिया हुआ, देखिए ध्यान से, बी सी डी, बी सी डी नहीं दिया हुआ, लिख देते हैं बी सी डी प्लस ई डी सी, ई डी सी कितना दिया हुआ? 75 डिग्री। देख सकते हो यहाँ पर 75 डिग्री, ई सी, ई डी सी 75 डिग्री, इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। तो निकालेंगे यहां से बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री, राइट फ्रेंड। तो बी सी डी इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, यहां पर 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा, और देख सकते हो ये 1 होगा, मीन्स 105 डिग्री आया, राइट फ्रेंड। तो ये एंगल कितना प्राप्त हुआ? 105 डिग्री प्राप्त हुआ। यानी कह सकते हैं जो एंगल सी होगा 105 डिग्री हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे उसी तरह से, हमें एंगल तो गेन करना, एक्स का वैल्यू गेन करना है ना, ये वाला ना। तो अब चलेंगे अगेन फिर से, यहां पर क्या मान सकते हैं हम? अब मानेंगे हम लोग कि ये लाइन आपस में पैरेलल है। देखिए यहां पर ए बी पैरेलल सी डी, अभी तो हम चले कि बी सी पैरेलल ई डी में चले, तो लेकिन आप चलेंगे ए बी पैरेलल सी डी में। तो लिखेंगे ए बी जो है, लिखेंगे ए बी, ए बी पैरेलल किसका है? देखिए ध्यान से, ए बी पैरेलल सी डी में, ए बी पैरेलल सी डी में, ए बी पैरेलल सी डी में, इन विच कह सकते हो, इन विच, इन विच आपको ये लाइन क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन। तो लिखेंगे बी सी, बी सी इज आर ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हैं, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, राइट फ्रेंड।
मिस कर सकते हो जो एबी पैरेलल सीडी का होगा, तो आप कह सकते हो इन बीच बीसी जो होगा बीसी आपको ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो जब बीसी ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये एंगल तो प्राप्त है हमें, तो ये एंगल से अल्टरनेट से निकाल सकते हैं ना। तो अल्टरनेट से कैसे निकालेंगे देखिए यहां पर कैसे करेंगे। तो लिखेंगे एंगल, जो एंगल लिखेंगे यहां पर ए बी सी इक्वल एंगल क्या लिख सकते हैं बी सी डी, एंगल बी सी डी कैसे, तो यहां पर लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल के वजह से हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से हुआ। मीन्स कह सकते हो एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, और कह सकते हो बी सी डी ये वाला एंगल आपस में कैसे होगा मीन्स इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आप सिंपल सा ए बी सी की जगह पर क्या लिखा हुआ एक्स, यानी कि लिखेंगे ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 105 आया था। तो लिख सकते हैं एबीसी की जगह पर क्या लिखा हुआ एक्स, तो एक्स इक्वल टू यहां पर लिख देंगे एक्स इक्वल टू यहां पर लिख सकते हो एक्स इक्वल टू 105 डिग्री, ये आपका एक्स का वैल्यू गेन हो गया राइट फ्रेंड। तो लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 105 डिग्री राइट फ्रेंड। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।